बस जल्दी ठीक कर लेना। हाँ जी बोलिए। आप देख रहे ना मेरे बाल ऐसे तो नहीं हो रहे बिल्कुल भी? नहीं, उसमें देखा तूने ऐसे लग रहा है। ठीक रोलिंग आप रेडी? ऑल राइट, तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन सलोनी जी, एक नया नाम मिला है आपको हिंदी फिल्म का, एनिमल की बहन। अब जहाँ भी देखते हैं सोशल मीडिया पर, आप जहाँ भी जाती हैं, लोग आपको इस नाम से बुलाता है। हर आर्टिस्ट चाहता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा किरदार आए, एक ऐसा नाम आए जो लोग बहुत ही पॉपुलर हो जाए, अमर हो जाए। सो मुझे लगता है एनिमल की बहन बहुत पॉपुलर हो रहा है। कैसे देखती है एनिमल की बहन को, क्या कुछ कहना? जितना प्यार मिल रहा है मैं तो सिर्फ शुक्रगुजार हूँ। एंड आई एम रियली लकी कि मुझे रोल करने का मौका मिला, क्योंकि बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिला, बहुत दिग्गज लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। सो आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल इन दिस मोमेंट। एंड क्योंकि लोगों की ज़ुबान पे एनिमल की बहन आ गया तो अच्छा ही लगता है यार, जहाँ भी लोग जाके इसे पहचान लेते हैं एंड दैट टैग इज़ देयर ऑब्वियसली, तो मज़ा तो खूब आ रहा है। वेरी ओवरवेलम्ड, ऑन क्लाउड 9, इन्जॉइंग दिस होल फेज। तो प्यार आ रहा है और बरसाते रहे लोग। तो एंड क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का, बहुत सारे सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिला, जब ये फिल्म आपको ऑफर दी, मैंने आपको बताया गया कि इस फिल्म में रणबीर कपूर होंगे, बॉबी देओल होंगे, टी सीरीज इतना बड़ा सब प्रोडक्शन होगा, क्या कुछ नर्वसनेस थी या फिर क्या कुछ था, क्या कुछ फीलिंग चल रही थी आपके दिमाग में, क्या कुछ चल रहा था? सलोनी, पहले तो मैं बहुत मतलब मुझे लगा कि इतने सालों की मेहनत रंग ला रही है पहली बात, तो मुझे लगा कि मेरे सपने पूरे होने की कुछ शुरुआत चालू हुई है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब ये पता चलता है कि आप इतने सीनियर्स और सुपरस्टार्स के साथ काम करने जा रहे हो एंड यू गोना शेयर स्क्रीन स्पेस विद देम, ऑब्वियसली इंटिमिडेट तो आप होते ही हो, आपको लगता ही है कि यू नो क्या होगा, कैसे करेंगे ये वो। पर संदीप सर का प्रोसेस बहुत अच्छा था, उन्होंने हमारे साथ काफ़ी रीडिंग्स करवाई, पूरी फैमिली एक केमिस्ट्री बिठाई, रिलेशनशिप्स पे काम किया, बैक स्टोरी पे काम किया, डिस्कशंस हुए खूब, लुक पे काफ़ी काम हुआ, वो तो हुआ ही होमवर्क। पर ऑन सेट ऑल द एक्टर्स, अनिल सर, रणबीर कपूर, यू नेम इट, एंड ऑल ऑफ देम वर वेरी वॉर्म। उनमें बिल्कुल ऐसा वाइब और फीलिंग ही नहीं थी कि हम सुपरस्टार हैं और ये सब, तो उन्होंने एकदम फील ही नहीं कराया कि हम न्यू कमर्स और जूनियर्स हैं, मतलब लगा ही नहीं कि मैं पहली बार उनके साथ काम कर रही हूँ। दे वर वेरी वॉर्म, उन्होंने एकदम फ्रेंडली फीलिंग के साथ काम किया और सारे बहुत ना इन टू द प्रोसेस थे कि हम यहाँ हैं तो चलो पूरी जान डाल देंगे, रणबीर हो या अनिल सर हो, मतलब अगर वो सीन कर रहे तो वो रिहर्स करेंगे आपके साथ 30-40 बार लाइनें। रणबीर तो पूरे टाइम वो सीन शुरू होने से पहले लाइनें ही पढ़ते रहते थे, क्योंकि हमारे लंबे सीन्स थे, इंटेंस सीन्स थे, तो इंटेंस सीन्स परफॉर्म करने के लिए अगर लाइनें आपको अच्छे से याद हो जाएं तो सीन करना आसान हो जाता है। तो उनसे मैंने ये भी सीखा कि यू नो हाउ कैन यू बी सो गिविंग, ही वॉज ऑलवेज सो गिविंग एज एन एक्टर, ऑलवेज प्रेजेंट ऑन सेट एंड ऑलवेज इन द मोमेंट, कि अगर वो आपसे जनरली भी बात कर रहे हैं ना तो आपसे ही बात कर रहे हैं, फिर वो कहीं और नहीं है, देन ही इज़ टॉकिंग टू यू एंड दैट इज़ वॉट मेक्स हिम द काइंड ऑफ एक्टर ऑल्सो ही इज़। तो सब ने ही इतना कम्फर्टेबल फील कराया कि ईजी हो गया पूरा प्रोसेस। बिल्कुल, ये एक ऐसी फिल्म आई है बहुत लंबे टाइम के बाद, बहुत प्यार मिल रहा है थिएटर में भी, एंड अब हम जानते हैं कि जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है थोड़ी सी जी।
मुझे लगता है लोगों को अपने ओपिनियन का बिल्कुल हक है. एवरीवन शुड वॉइस देयर ओपिनियन एंड से व्हाट दे फील, बिकॉज वी आर इट शुड बी लाइक दैट. वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एट द एंड ऑफ द डे, एंड एवरीवन हैज अ राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बी द इंडिविजुअल दैट दे आर, डेफिनेटली. बट ये जो कहानी है संदीप सर के विजन से दर्शाई गई है, जो इन्होंने जो लिखा है वो एक ऐसे किरदार के बारे में लिखा है, द कैरेक्टर इज फ्लॉड. तो उसमें दिखाया भी है उन्होंने कि ये क्यों ऐसा है कि पापा का प्यार नहीं मिला है. उसकी एक बैक स्टोरी भी है कि वो तरस रहा है इतने टाइम से फॉर द फादर्स लव और उसको वो नहीं मिला है, हेंस वो ऐसा है, हेंस वो कैरेक्टर ही ऐसा है. जॉनर फिल्म का वायलेंट है, उन्होंने बोला ही था मुझे वायलेंट फिल्म बनानी है. जॉनर ही एक्शन है, यू नो ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है. तो सारी कहानी आप लोग को पहले से ही पता है कि उन्होंने बनाई ही इस किरदार के बारे में कहानी है. अब हर जो जब कहानी बनती है तो रियल लाइफ से आप इंस्पिरेशन लेते हो आसपास से, और एज आर्टिस्ट हम उसको एम्पलीफाई करके एक पर्दे पे डालते ताकि वो इमोशन और जो एक सिनेमैटिक लिबर्टी और एक क्रिएटिव लिबर्टी जो टर्म होता है वो लेके आप एक पर्दे पे दर्शाते हो. तो वो देखने जा रहे हैं लोग और एंटरटेन हो रहे हैं काफ़ी अच्छे से. तो मुझे लगता है उन्होंने अपने वर्ल्ड को बहुत अच्छे से क्रिएट किया है. बाकी लोगों को अपने ओपिनियंस का बिल्कुल हक है, वो जो जो उनको मन है वो बोल सकते हैं. पर एज एन एक्टर ऑल्सो आई फील इट्स माई जॉब टू बी अ पार्ट ऑफ स्टोरीज एंड टू डू माई जॉब परफेक्टली नाइसली कि लोग बिलीव करें कि मैं रीत हूँ उस वर्ल्ड में. रणबीर अगर वो कर रहे हैं, रणविजय सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं, तो लोग बिलीव करें, लेकिन वो फिक्शनलाइज कहानी है. बाकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट खुद करें ना. कहानी को कहानी की तरह देखें, एंटरटेन हुए जो लोग हो रहे हैं. एंड आई एम एक्चुअली रियली लकी टू गेट टू बी अ पार्ट ऑफ हिज कैनवस एंड हिज पेंटिंग, और उन्हें जो वर्ल्ड दर्शाने की कोशिश की मुझे तो बहुत मज़ा आया. तो पहले तो ये किरदार एक ऐसी औरत है जिसका पति कुछ कर रहा है उसके अगेंस्ट, उसकी फैमिली के अगेंस्ट, जो उसको पता नहीं है. और ये पहले उसको रियलाइज भी नहीं होता बिकॉज शी सो ब्लाइंडेड बाय द लव शी हैज़ फॉर हिम और फॉर द फैमिली. ये ऐसी एक औरत है, और इसका नाम भी ना रीडिंग्स में पहले कुछ और था. पहले वो गीत सोच रहे थे या एक दो और ऑप्शंस पे थे, लेकिन रश्मिका का नाम गीतांजलि था तो वो गीत नहीं रखना चाहते थे, सेम नेम हो जाता. तो मुझे लगा कि इस कैरेक्टर के साथ जो हो रहा है वो काफ़ी औरतों के साथ होता है, दे समवेयर और द अदर, यू नो, इन द नैरेटिव ऑफ द स्क्रिप्ट. तो मुझे लगा रीत नाम बैठेगा उसके लिए, तो मैंने सजेस्ट किया और सर को बहुत पसंद आया और राइटर सौरभ को भी बहुत पसंद आया. तो उनने मेरा सजेशन लिया और उन्हें बोला बिल्कुल ये नाम रखते हैं. और बाकी बचपन से जो उसके साथ होता है कि यू नो एक्सपीरियंस हो जाता है कि ईव टीज़ कर रहा है और वो सहम जाती है. और फिर ना आप एक पार्टनर आपको मिल जाता है जब लाइफ में, तो आप उस पर पूरा डिपेंडेंट हो जाते हो, वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है और आप कुछ नहीं देख पाते उसके बियॉन्ड. फॉर यू दैट इज़ द बी ऑल एंड एंड ऑल, नो मैटर आपके साथ वो कुछ भी मीन हो रहा हो या एकदम सही नहीं हो, कहीं सही हो कहीं सही नहीं हो, लेकिन आप लुक पास करते हो कि ठीक है ना, आई लव हिम, ही लव्स मी, और ये वो. जब तक उसको एंड में पता नहीं चलता कि एक्चुअली वो क्या कर रहा था. एंड अगर आप वो सीन देखोगे जब रणबीर रणविजय रीत को बताता है कि मैंने तेरे पति को मार दिया, तो आप रीत में वो भी देखोगे कि तूने मार दिया, हाँ तूने कैसे मार दिया, तूने गलत किया. पर उसको ये भी रियलाइज़ होता है कि ओ माई गॉड, क्यों इसने ये डिसीजन क्यों लिया. और यू नो ये जो कह रहा है, कहीं कहीं वो भी पति के लिए भी वो दुख तो हो ही रहा है कि हाय राम मेरे पति को मार दिया, हु इज़ द बी ऑल एंड एंड ऑल राइट नाउ इन रीत्स लाइफ. बट उसके फेस पे ये भी है कि ये ऐसा करने की कोशिश कर रहा था तो शायद इसने शायद सही डिसीजन लिया है, बट वो असमंजस में है कि
क्या चल रहा है उसकी लाइफ में. तो और मुझे ये शेड्स जो थे फ्रॉम कॉलेज 239, 19, 25, 29, 34, 32, 39 ऐसे ही सब करने का मौका मिला. तो वो मेरे लिए एज एन एक्टर एक तो चैलेंज था विच आई वॉन्ट टू टेक ऑन, और बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसमें प्रोसेस था. हमने लुक पे काम किया, हमने उसकी डायलॉग डिलीवरी पे काम किया, उसका टोन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब कैसा होगा, कॉलेज में रणविजय और रीत का क्या केमिस्ट्री होगा उस सिनारियों के हिसाब से, जब उसकी शादी हो जाती है, जब वो 60th बर्थडे पार्टी है तब कैसा होगा, कपड़े क्या कलर्स पहने होंगे, क्या हेयरडू होगा, बाद में कैसा होगा. तो इस सब पे काम करने में बहुत मज़ा आया. बहुत ही अच्छे से आपने बताया. एंड सेट से याद आया, हमारे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडियन सिनेमा का सेट्स भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है. अगर हम 90s में जाते हैं सलमान खान की या शाहरुख खान की फिल्में देखते हैं तो चॉकलेटी बॉय ऑडियंस उन्हें पसंद करती है. धीरे धीरे जब हम 20s में आते हैं सलमान खान की फिल्में देखते हैं जिसमें लोग वायलेंस करते हैं, लोग पसंद करते हैं. देन फिर अब कबीर सिंह एक की मूवी आती है वो वायलेंट करते हैं, थिएटर बजता है, तालियां बजती है. अब एनिमल आई है, बहुत ही वायलेंट है, मारधाड़ करता है, और जितना ज्यादा वो वायलेंट हो रहा है उतनी ज्यादा ऑडियंस उसे पसंद कर रही है. ये जो इंडियन सिनेमा का जो सेट्स चेंज हो रहा है, अगर मैं देवदास की बात करूँ तो वो एक अपने सबको बचाने के लिए सबका ख्याल रखता है, वहां भी लोग उसे पसंद करते हैं. एनिमल की अगर बात करूँ तो ये जितना ज्यादा वायलेंट हो रहा है उतनी ज्यादा लोग उसे पसंद कर रहे हैं. चेंजेस यार अभी भी वैसी फिल्में, रोमांटिक कॉमेडी ये सारी फिल्में बन रही हैं, ऐसी बात नहीं है. बन रही, लेकिन ये फिल्म अगर तब आई होती तो साहब बोलते अरे इतना वायलेंट हीरो कहाँ से हो सकता, नहीं हो सकता. आई डोंट थिंक क्योंकि लोग अडैप्ट कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा सिनेमा आई थिंक फिल्म मेकिंग और समझ में आ रही है, और उनको आई थिंक जो इमोशन टैप किया है संदीप सर ने कि पहले तो अनाउंस कर दिया कि मैं वायलेंट फिल्म बना रहा हूँ, वो बड़े क्लियर थे कि मुझे ऐसी बनानी है, मुझे इस किरदार के बारे में कहानी बनानी है, तो उनका वो स्लेट क्लियर था. बाकी जो वायलेंस दिखा रहे हैं वो उस नैरेटिव में फिट बैठता है जो कर रहे हैं, और वो इतना हाइटन सिनेमैटिक लिबर्टी और क्रिएटिव लिबर्टी के लिए करा जाता है ताकि वो इमोशन जितना उनको दर्शाना है वो ऑडियंस को पियर्स करे, और लोगों को मजा भी आ रहा है. यार मैं देख के आई हूँ गेटी में भी फिल्म, हाँ लोगों को बिल्कुल बिल्कुल वो, क्योंकि वो इमोशन बिल्कुल पियर्स कर रहा है. उनकी स्टोरी टेलिंग बड़ी क्रिस्प है, जैसे उन्हें एडिट भी करी है फिल्म अगर आप देखोगे, ही इज डन इट हिमसेल्फ, सो ही इज डन इट रियली ब्यूटिफुली एक्चुअली, कि एक सीन के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ से लोगों को, उनको पता है कि मुझे लोगों को फील क्या कराना है, कि मैंने ये वाला सीन दिखाया अब मुझे बैक में जाना है कि अच्छा इसकी कहानी में पहले क्या हुआ था, अच्छा अब एंड में चलते हैं, अच्छा बीच में आते हैं. तो वो लोगों के इमोशंस को ऊपर नीचे करना बड़े अच्छे से जानते हैं, और लोगों को बहुत मजा भी आ रहा है, एंड पीपल आर अडैप्टिंग रियली वेल आई थिंक. ये अच्छी बात है कि हमारी इंडियन सिनेमा धीरे-धीरे बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर रही है. हाँ बिल्कुल, जैसे आप देखोगे यार फाइट क्लब, स्कारफेस, गॉडफादर, इतनी फिल्में हैं एक्शन ओरिएंटेड, और लोगों को तो बाहर तो कब से चली आ रही है, है ना, तो अब फाइनली यहाँ पे भी बन रही है विच इज ग्रेट. एंड हमने आपके बारे में सुना है कि बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है आप, अच्छा एक्टिंग तो आप करती हैं, एनिमल की बहन है, और गाना भी बहुत ही अच्छा गाती हैं, बहुत सारा काम करके अब यहाँ तक आप किरदार को रखते हैं आपके सिर्फ, तो बताइए और ऐसा कौन कौन सा किरदार छुपा के रखी जो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आप उसे. बहुत सारे किरदार यार, मतलब मेरे को रोमांस करना है, मुझे गीत फ्रॉम जब वी मेट तो बनना है एक दिन, एक बार कभी तमाशा, दीपिका फ्रॉम तमाशा, दीपिका फ्रॉम कॉकटेल, अगर रॉकस्टार जैसी फिल्म बनाई थी, मुझे बहुत पसंद है रणबीर ने उसमें क्या काम किया है, पर अगर एक फीमेल रॉकस्टार बना दे तो मज़ा ही आ जाएगा. मैं वो करना चाहूँगी क्योंकि मैं गाना भी गाती हूँ, गिटार भी बजाती हूँ, तो मतलब वैसे कुछ इंटरेस्टिंग रोल्स करने को मिले. मैं साउथ फिल्म्स करना चाहूँगी बिकॉज वो वहाँ पे, एंड इनको तमिल तरी हूँ, सो क्योंकि मैं चेन्नई में पढ़ी हूँ तो मैंने वहाँ तमिल भी सीखी. नंद्री इज थैंक यू. नमस्कारम इज बेसिक, हाँ या तमिल आई नो बेसिक, या तो वो भी करना चाहूंगी, और
क्या हो गया, बंद कर दो ना। तो मैं वैसी फिल्में भी करना चाहूँगी, मैं एंटैगनिस्ट का रोल, मैं एंटैगनिस्ट का रोल भी प्ले करना चाहूँगी, जहाँ मुझे नेगेटिव कैरेक्टर थोड़ा, मतलब बेसिकली कुछ भी अलग अलग वर्जन्स ऑफ माई सेल्फ, वेर आई कैन एक्सप्लोर एंड फील दैट फीलिंग। क्योंकि जब एज आई सेड कि जब मैं कैमरा के सामने जाती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ, देन आई मीन टू द कैरेक्टर, सो आई वुड फील अ डिफरेंट रेंज ऑफ इमोशंस, अ डिफरेंट वराइटी ऑफ रोल्स आई वुड लव टू डू। एंड नाउ आई वुड लव टू डू सम प्रोटैगनिस्ट पार्ट्स, की पूरा नैरेटिव का कंधा भार मेरे कंधे पे हो, तो मुझे उसमें बहुत मजा आएगा। बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगी इम्तियाज अली, जोया अख्तर, संजय लीला बंसाली, आई वुड लव टू डू संजय लीला बंसाली फिल्म्स। एंड वो जैसे दर्शाते हैं अपनी हीरोइंस को, मुझे बिल्कुल वैसे एकदम कपड़े पहन के। आई वुड लव टू डांस इन अ फिल्म बिकॉज आई डांस ऑल्सो, मैंने कुचिपुड़ी सीखा है और जायज सीखा है, तो मैं वो भी करना चाहूँगी। तो मैं अपने सारे एस्पेक्ट्स डेफिनेटली दर्शाना चाहूँगी। सिंगर तो आप हैं ही, गाना हम आपसे डेफिनेटली कोई एक अच्छा सुनेंगे, प्रोड्यूसर भी बनेंगे आप आने वाले दिनों में, हो सकता है। क्योंकि क्योंकि पीछे मैं कुछ लिखने की भी कोशिश कर रही थी, कुछ इंस्पिरेशन मिला था मुझे कहीं से, तो मैं लिखने की कोशिश करती, पर वो अभी होल्ड पे है। इवेंचुअली मैं डेफिनेटली करूँगी, बट एट द मोमेंट मैं अपने गाने लिखने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा पहला गाना है भी स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक सारे चैनल्स पे है, इट्स कॉल्ड धुंधला। ये एक मैंने फिल्म -31 है जो अमेजोन पे, उसके लिए गाया था। सो बचा क्या है जो है बचपन में मैं ना सब करती थी, तो मेरी मम्मी कहती थी क्या क्या करोगी, पेंटिंग भी करोगी, ये भी करोगी, ये भी करोगी। मैं कहती थी मुझे सब, और मैक्सिमम मम्मा की वजह से आई गॉट इन टू ऑल दिस, क्योंकि मुझे हर क्लास के लिए चलो डांस क्लास, चलो म्यूजिक क्लास, चलो पेंटिंग क्लास, उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया और ऐसे ही बड़ा किया, तो मेरे को सारे एस्पेक्ट्स कवर करने मज़ा आता है। बिल्कुल, बस जाते आते आपका कोई एक फेवरेट सॉन्ग आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये बातें हैं पुरानी, जू 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 कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, जी ले इसे इसमें नशा, जिसने पिया वो गम्मी भी हंसा, पल में हंसाए और पल में रुलाए कहानी, जू 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 कैसी आह कैसी पहेली जिंदगानी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच।